हाजरीन गिरामी, आइए एक बार फिर सरवरे कौनैन की महफिल में हम आपको लिए चलते हैं और खूबसूरत नातिया शायरी से आपको महसूस कराते हैं। हजरत, मैं चाहता हूँ कि एक वाकया आपके सामने पेश कर दूँ। उर्दू शायरी में एक बड़ा ही खूबसूरत नाम अख्तर शीरानी का गुजरा है। अख्तर शीरानी का एक वाकया बहुत मशहूर है कि वो अक्सर शराब के आदि थे। एक मरतबा हुआ ये कि शराब के नशे में धुत थे, तो चंद नौजवानों ने ये चाहा कि इस वक्त अख्तर शीरानी का ईमान सल्ब करा दिया जाए और उनको नबी की शान में गुस्ताखी कर दी जाए। तो वो बहुत से सवालात हुए, उनमें एक सवाल अख्तर शीरानी से उन चंद औबाश लड़कों ने किया जो नबी की शान में गुस्ताखी से मुतालिक था। नशे में धुत अख्तर शीरानी ने शराब की बोतल उन नौजवान के लड़कों पर मार दी और ये कहकर कि मैं नशे में जरूर हूं, मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ और इस कदर शराबोर जरूर हूं, लेकिन मेरे रोए रोए में नबी की मोहब्बत और अकीदत इस कदर बसी हुई है कि मैं नबी की अजमत नशे की हालत में भी मैं उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता। लिहाजा ये नबी की महफिल है और नबी की निस्बत से हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। लिहाजा अख्तर शीरानी अगर उस नशे की हालत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का लिहाज कर सकते हैं, तो यकीनन हम और आप इस महफिल में कोई भी ऐसा लम्हा और कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से न जाने दे जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर भी कोई बेअदबी हो जाए। आइए मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ एक खुसूस जनाब एक खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब तनवीर अख्तर साहब, हमारी इस फहरिस्त का एक खूबसूरत नाम, मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और आप जोर आप हजरात इस्तकबाल फरमाएं और खूबसूरत शायरी नातिया शायरी समात फरमाएं और दादो तहसीन से नवाज़ें। सदरे मौसूफ कारी मंजूरुल हक नासिर साहब और कन्वीनर मुशारा मेरे बड़े भाई फारूक दिलकश साहब और तरतीबदार भी हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन प्यारे भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजरी ने महफिल काफी अरसे के बाद अपने दियार में नाते पाक पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। कई सालों से मैं कहीं और शहर शिफ्ट हो गया हूँ। आइए मैं चाह रहा हूँ कि जो वक्त बचा है मैं अपने मोतबर सीनियर शोरग्राम को देना चाहता हूँ। यहाँ से चार मिसरे माहौल बनाने के लिए तनवीर अख्तर पढ़ता है, मात्र 5 से 7 मिनट का वक्त लूंगा आपसे। आप एक बार मचल के बोल ले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ बतौर खास फारूक भाई सुनिएगा कि लब तो रूदों से पढ़ता हूँ बतौर खास ये जो मेरे नौजवान भाई बैठे बोल लो सुभान अल्लाह के लब तो रोतों से सजाओ तो मजा आ जाए। बतौर खास मुलाजा करे सुने के लब तो रोतों से सजाओ तो मजा आ जाए। ओ नात सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए, नात सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए। अगले चौथे मिसरे पर आगे से लेकर पीछे तक एक शख्स को शरीक करता है तनवीर अख्तर। पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि लब तो रोतों से सजाओ तो मजा आ जाए, नात सरकार सुनाओ तो मजा आ जाए। नाज़नीनों से नाज़नीनों से फकत दर्द मिलेगा तुमको, नाज़नीनों से फकत दर्द मिलेगा तुमको,
दिल को वाका से लगाओ तो मजा आ जाए। कि दिल को वाका से लगाओ तो मजा आ जाए। आपने अपनी दुआएं अपनी मोहब्बतें मेरे दामन में रखी, आपका बेहद शुक्र गुजार हूं। एक मतलब चंद शेर इरशाद फारूक भाई सुनेगा, मतलब बिल्कुल नया कलाम एक नए अंदाज में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दीवानो झूम के बोल लो सुभान अल्लाह। मुलाजा करें कि मेरा नबी है, और तेजी से बोले सुभान अल्लाह। कि मेरा नबी है, मेरा नबी है, साकी ये कौसर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी है, मेरा नबी है, साकी ये कौसर अल्लाह वक्के पर, अल्लाह वक्के पर। मेरा नबी है, अल्लाह वक्के पर, रसूले अकरम में, रसूले अकरम में, महबूबे तावर अल्लाह वक्के पर, अल्लाह वक्के। के रसूले 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 अकरम में, महबूबे तावर अल्लाह वक्के पर, अल्लाह वक्के पर। सब भाई सुने कि मेरा नबी है, मेरा नबी है, साकी ये कौसर वक्के पर, अल्लाह वक्के पर। रसूले अकरम में, रसूले अकरम में, महबूबे तावर अल्लाह वक्के पर, अल्लाह वक्के पर। शेर हाजिर दिल भाई बता रहे, खास मुलाजा करे सुने पढ़ता हूँ। कि मेरे नबी को, मेरे नबी को चारों के प्यारे, चमके फलक के पर बनके सितारे। मेरे नबी को, मेरे नबी को चारों के प्यारे, चमके फलक के पर बनके सितारे। चमके फलक के पर बन के सितारे। वो बकरो फारो, वो बकरो फारो, वो बकरो फारो, उस्मानो हैदर अल्लाह वक्के पर, अल्लाह वक्के पर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जनाब अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मेरे हरदिल अजीज दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं, महफूज जमाली साहब और जहीरुद्दीन भाई साहब और अलीम खैराबाद साहब। कि मेरी आवाज पहुंच रही जो इधर बैठे हैं उनसे ताउन की दरख्वास्त करता हूँ। आप ही साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मुनव्वर भाई हैं, दिल भाई और दिगर शोरा को शरीक करते हुए फिर से शेर हाजिर करता हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह।
कि मेरे नबी को चमके फलक के पर बन के सितारे वो बकरो फारो वो बकरो फारो उस्मानो हैदर अल्लाहु बक्के पर अल्लाहु बक्के पर। फारूक भाई ये शेर हाजिर बहुत ही खूबसूरत शेर मैं पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि जाने कि जाने नबी है शाने नबी है दरबारे दी के चारों जरी है। जाने नबी है जाने नबी है शाने नबी है दरबारे दी के चारों जरी है। जाने नबी है जाने नबी है शाने नबी है दरबारे दी के चारों जरी है। बेलालो तलहा बेलालो तलहा सलमानो बूजर अल्लाहु बक्के पर अल्लाहु बक्के पर। बेलालो तलहा सलमानो बूजर अल्लाहु बक्के पर अल्लाहु बक्के पर। करें पढ़ता हूं कि प्यारे नबी के प्यारे सहाबा प्यारे नबी के प्यारे सहाबा दोनों जहां में है उनका चर्चा। प्यारे नबी के प्यारे सहाबा दोनों जहां में है उनका चर्चा। प्यारे नबी के प्यारे नबी के प्यारे सहाबा दोनों जहां में उनका चर्चा। साहबा सारे साहबा सारे नबी के दिल पर अल्लाहु बक्के पर अल्लाहु बक्के पर। साहबा सारे नबी के दिल पर अल्लाहु बक्के पर अल्लाहु बक्के पर। मक्ते का शेर भी मैं पेश करता हूँ और खास तौर से बड़े भाई नवाब अख्तर साहब की दुआएं और तमाम की शिरकत पढ़ता हूँ बतौर खास नजर करें कि दुरूदे अफ़ज़ल कलाम पढ़िए फारूक भाई कि दुरूद अफ़ज़ल कलाम पढ़िए दुरूद अफ़ज़ल कलाम पढ़िए प्यारे नबी पर सलाम पढ़िए। प्यारे नबी पर सलाम पढ़िए दुरूद अफ़ज़ल अफ़ज़ल कलाम पढ़िए दुरूद अफ़ज़ल कलाम
पढ़िए प्यारे नबी पर सलाम पढ़िए नबी की पढ़ता नबी की पढ़ता है ना तख्तर अल्लाहु अकबर नबी की पढ़ता है ना तख्तर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बहुत खूब बहुत खूब जनाबे तनवीर अख्तर साहब, बहुत ही खूबसूरत शायरी और खूबसूरत नात आपने पेश किया। हाजरीन, ये हमारी आज की महफिल जो बज़्म नात नबी है, ये बहुत ही खूबसूरत महफिल है। जाहिर है कि ये एक मकसद के लिए, इसमें अल्लाह के घर की तामीर के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। और इनमें जिन बच्चों ने जो तआमुन जमा किया है, उसमें नाम है मोहम्मद उमर, मोहम्मद अरकम, अरीब, जैद, हाशिर, उसैद, मोहम्मद वासिफ, मोहम्मद शादाब, और इस खूबसूरत मैदान को जो पंडाल है, मिंबरी ओहदे के उम्मीदवार मोहम्मद आदिल साहब ने अपना ताबुन पेश किया, और बाकी तमाम पूरी टीम इस रघुनाथपुरा के पूरे नौजवानान, जिसमें जनाब डॉक्टर जमील साहब हैं कन्वीनर, जनाब फारूक दिलकश साहब हैं, मुफ्ती हाशिम साहब हैं, मौलाना कासिम साहब हैं, और वो तमाम नाम जो छूट रहे हैं मुझसे, इन सब की मेहनतों से हम एक खूबसूरत महफिल सजा पाए हैं।